पुलिस वेलफेयर वीक के तहत घुमारवीं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए स्थानीय जनता सहित स्कूली छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम किया गया, जहां एक और घुमारवीं डीएसपी राजेंद्र जसवाल ने मिनरबा स्कूल के छात्रों को नशे से दूर रहने की अपील की तो साथ ही ड्रग्स माफियाओं के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना देने की भी अपील की है। बिलासपुर जिला में नशा माफियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तो साथ ही हर वर्ग के लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर घुमारवीं पुलिस द्वारा भी स्कूली छात्रों को यातायात के नियमों की पालना करने के साथ ही गलत संगत व नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने का काम किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा मनाए जा रहे पुलिस वेलफेयर वीक के तहत डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र जसवाल ने विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम किया तो साथ ही ड्रग्स माफियाओं की जानकारी मिलते ही इसकी गुप्त सूचना स्थानीय पुलिस को देने की अपील की है। तो साथ ही उन्होंने स्कूली छात्रों से नशे के बजाय शिक्षा के साथ साथ विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिला व प्रदेश का नाम रोशन करने की भी अपील की है। वहीं अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी राजेंद्र जसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ड्रग्स फ्री हिमाचल ऐप लॉन्च की गई है, जिसे डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स संबंधी जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकता है और उसका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने घुमारवीं की जनता से हिमाचल को ड्रग्स फ्री बनाने में अपना सहयोग देने की अपील भी की। पुलिस वेलफेयर वीक जो मनाया जाता है तो इसके तहत हम जो है लोगों को जागरूक करते हैं और बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं कि कुछ ड्रग्स के बारे में इनको बताते हैं और कॉपरेशन के बारे में बताते हैं कि पुलिस को कॉपरेट करें। अगर कोई क्राइम उनके एरिया में या कोई ड्रग्स का इस तरह सेल कर रहा है या व्यापार कर रहा है जो भी है, तो उसके बारे में मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें और उसमें जो है जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसकी हम सूचना जो है गुप्त रखते हैं। ड्रग फ्री हिमाचल इस बारे में भी सरकार ने एक ऐप चलाई हुई है और उसमें उसके तहत हमने ये भी बच्चों को बताया गया या लोगों को बताया है कि इसको डाउनलोड करके उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसमें भी उनका नाम जो है सीक्रेट रहता है, ताकि इसमें हम हिमाचल को एक ड्रग फ्री हिमाचल बना सकें।